आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सब्जियां हैं उनको आप सही तरीके से कैसे काट सकते हैं, ताकि जो आपका टाइम है वो भी बचे और आपके जो हाथों पर कट लग जाते हैं चाकू से वो भी जो आपके हाथों पर ना आए। और बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आपकी सब्जियां जो है बिल्कुल जल्दी कट जाएगी, आपको जो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्याज काटते वक्त अगर जो आपकी आंखों में आंसू आते हैं वो आपके आंखों में नहीं आएंगे। मिर्ची काटते टाइम आपके हाथों पे जो जलन होती है वो आपके हाथों पर बिल्कुल भी नहीं होगी। और आलू काटते वक्त जो आपको छिलक काटते टाइम इतना टाइम लग जाता है, सब्जी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जानते हैं कि कैसे वो तरीके हैं, कौन सा वो सही तरीका है जिससे जो आप इन सारी सब्जियों को आसानी से काट सकते हैं। तो अगर आप किचन की और चीज़ें जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ सही करते हैं, कौन कौन सी चीज़ गलत करते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे जो है हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ पाएगी। तो देखते हैं कि आप कौन सी सब्जी को गलत तरीके से काटते हैं। सबसे पहले आप जो है प्याज को काटते हैं और आप देखते हैं कि जब आप प्याज काट रही होती है तो आपके आंखों में जो बहुत ज़्यादा आंसू आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इस वजह से होते हैं क्योंकि प्याज के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जब वो हवा के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से वो हवा में मिलकर आपकी आंखों में चले जाते हैं और इसके कारण जो आपकी आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप प्याज को काटें तो इसके ऊपर के छिलक और जो है नीचे के भाग को काट दें और काटने के बाद आप जो है इसको चार टुकड़ों में काटें और उसके बाद जो है आप इसे ठंडे पानी में या फिर सिंपल पानी में जो है ऐसे डाल दीजिए। अगर आप ऐसे करके प्याज को काटेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और आपको जो है इसे 5 मिनट तक या फिर 2-3 मिनट तक ऐसे ही करके रखना है। कितनी कोशिश करने के बाद भी जो है लहसुन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं छिलता है या फिर उसको जो है बहुत ज़्यादा देर लगती है छीलने में, तो उसको जल्दी छीलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने लहसुन लेना है और उसको जो है आपने निकाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा लहसुन है। और अगर आपके घर पर मेहमान आ गए हैं तो उसके लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा लहसुन चाहिए होता है और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए लेना है आपने थोड़ा सा गर्म पानी, ज़्यादा गर्म आप ना करें, थोड़ा सा ही ले, उसके अंदर जो है सारे लहसुन ऐसे डाल दीजिए और इसको भी जो आपने 5 मिनट तक ऐसे ही करके रखना है। तो इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, अभी इतना मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। अभी मैं आपको छील के दिखाऊंगी कि कैसे जो लहसुन है अपने आप ही जो है छिलक इसके ऊपर आ जाएंगे और आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ हरी मिर्च के बारे में। तो हरी मिर्च क्या करते हैं, आप जब हरी मिर्च को छीलते हैं या फिर जब इसको काटते हैं आप, तो आपके हाथों में जो है बहुत ज़्यादा जलन होना स्टार्ट हो जाती है, आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली हाथों में होती है। तो ये अगर आपके हाथ में ना हो तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर कोई भी आप तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल भी ले सकते हैं, और वो जो है आपने हाथ पर थोड़ा सा लेना है और उसको जो आपने पूरे हाथ पर ऐसे करके लगा लेना है, ताकि जब आप हरी मिर्च को काटें तब वो आपके हाथ पर ना लगे। और सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, आपको चाकू की जो है आपने ज़रूरत नहीं है, चाकू से आपको हरी मिर्च काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेनी है एक छोटी कैंची और उससे जो आपने जितने आप टुकड़ों में हरी मिर्च को काटना चाहते हैं उतने में आप टुकड़ों में काट सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से जो है यहाँ पर हरी मिर्च कट रही है और आपके हाथों पर भी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आपके हाथों पर जलन भी नहीं होगी और आप जो है आसानी से हरी मिर्च भी जो है जितनी चाहे उतनी काट सकते हैं और जल्दी भी ये काम हो जाएगा। फिर अब आते हैं हम अपनी चौथी चीज़ पर। तो आलू को आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसको अच्छे से धो लेना है और पानी में जो इसको आपने अच्छे से भिगोकर रखना है। उसके बाद आपने लेने हैं आलू और आपने लेना है एक ऐसे लोहे का जूना आपको कहीं से भी मिल सकता है और आपने जो है यूज्ड करा नहीं लेना है, बिल्कुल आपने न्यू लेना है। उसके बाद आपने जो है आलू के ऊपर के पापड़ को ऐसे रगड़ना है, तो इससे क्या होगा कि आलू जो है वेस्ट भी नहीं होगा और आलू जो है वो जल्दी भी छिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कितनी जल्दी जो है आलू यहाँ पर छिल रहा है और ज़्यादा इसका आलू की वेस्टेज भी नहीं होगी, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एक्स्ट्रा जो भाग है वो भी निकल जाएगा आलू के ऊपर से। तो देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से ये आलू छिल रहा है। तो अगर आप इस तरीके से आलू को छीलेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप काम आसानी से कर पाएंगे, घर के जितने भी काम होते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर घर पर ट्राई करें। ये देखिए यहाँ पर आलू कितने आसानी से छिल गया है। अब भिंडी का आप चिपचिपे पदार्थ जो लार आती है उससे आप कैसे साफ़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, भिंडी को जो है आपने पानी में जो है पहले अच्छे से धो लेना है, अच्छे से आप इसको वॉश कर लीजिए ताकि जितने भी इसके ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं वो जो है इसके ऊपर ना लगे रहे और वो जो है चाँदी से हट जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लेना है आपने सूती ऐसे कपड़ा या फिर आप कोई टावल भी ले सकते हैं, वो आपने लेना है और उसके ऊपर जो आपने जितनी भी भिंडी है वो जो है आपने ऐसे हट रख देनी है।
और आपको जो है भिंडी के ऊपर का पानी यहाँ पर देखिए अच्छे से आपको भिंडी को फैला देना है। अगर एक दूसरे से चिपकी रहेंगी तो ये अच्छे से जो है इसका चिपचिपा पदार्थ नहीं हटेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, भिंडी के ऊपर के पानी को जो है आपने ऐसे साफ़ करना है ताकि जो ये कॉटन का कपड़ा है या सूती कपड़ा है ये जो है सारे पानी को सोख ले भिंडी के। ऐसे करके आप जो है इस तरीके से आप ऐसे करें और अच्छे से आप देख लीजिए ताकि जो है आपके जो चिपचिपा पदार्थ है भिंडी का वो जो है बिल्कुल भी ना आए। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 या 10 मिनट तक आपको भिंडी को ऐसे ही पंखे की हवा में छोड़ देना है। इतना ये भिंडी यहाँ पर वेट कर रही है। मैं आ जाती हूँ लहसुन के ऊपर। तो लहसुन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके छिलक जो है अपने आप ही यहाँ पर उतरना स्टार्ट हो गए हैं। आपको कोई भी जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए आप इस गर्म पानी में डालने के बाद जो है हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना हो ताकि आपके हाथ पे भी ना लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इतनी जल्दी जो है मैंने एक लहसुन की जो ये पोथी है इसको छील दिया है। उसके बाद मैं आपको दूसरा भी छील के दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा भी जो है मैंने बिल्कुल आसानी से छील दिया है। तो अगर आप इस तरीके से लहसुन को छीलेंगे तो आप जो है आसानी से अपने काम को है जल्दी कर सकते हैं। अब मैं आपको भिंडी भी छील के दिखाती हूँ। थोड़ी देर जो है भिंडी को भी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखना भिंडी का जो लाल वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये देखिए बिल्कुल भी जो है लार नहीं आ रही है। आप कितनी भी जो है भिंडी छील सकते हैं। इस तरीके से अगर आप घर पर काम करेंगी तो आपके जो काम है वो आसानी से होंगे। ये देखिए बिल्कुल भी लार नहीं आ रही है, ना चक्कू के ऊपर है ना भिंडी के ऊपर है। तो अगर आप इस तरीके से सब्जियों को काटेंगे या छीलेंगे तो आप घर पर आसानी से और जल्दी काम कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आप और किचन टिप्स या फिर हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।